Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आप सुनना ही चाहती हैं तो सुनिए, ये घर में अक्षत और अर्पिता के लिए खरीद रहा हूँ। अक्षत अर्पिता, ये आप कैसे? मैं कर सकता हूँ हाँ। और ऐसा ही करना ठीक होगा। देखिए, हमारे बच्चों से हमारी कोई बातचीत नहीं होती, उनके साथ खाना पीना नहीं होता, किसी तरह का रिश्ता नहीं रखा, लेकिन कम से कम हमारी आंखों के सामने तो है। क्यों दूर करना चाहते हो उन्हें हमसे? तो मैं क्या करूं भाव? आप देख नहीं रहे हैं इस घर का माहौल क्या है? हर कोई मेरी तरफ ऐसे देखता है जैसे कसूरवार मैं हूं। गलती उन्होंने नहीं, गलती मैंने की। जब तक वो इस घर से नहीं जाएंगे ऐसा ही चलता है। नहीं प्लीज, देखिए एक बार सुनिए तो सही। देखिए, हमारे बीच में दीवार तो खड़ी हो ही गई है, कम से कम छत तो एक है ना, वो तो मत छीनिए। वो भी अगर अलग हो गई तो ये परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा, टूट जाएगा। कौन सा परिवार भाम? इसको आप परिवार मानती हैं वो नहीं। अगर इसको वो परिवार मानता तो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करता। भावना, मैंने अपना मन बना लिया। आई एम गोइंग टू बाय दिस हाउस। अब अगर आपको मेरा फैसला सही लगता है तो आप मुझे सपोर्ट करेंगी और उन्हें इस घर से जाना। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो आप उन्हें सपोर्ट कीजिए और मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं। कठिन परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? किस पाप का फल दे रहे हैं मुझे? मेरा पूरा परिवार मेरी आंखों के सामने टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, सारे रिश्ते उलझते जा रहे हैं और मैं जाकर भी कुछ नहीं कर पा रही। ना तो मैं अपने पति को खोना चाहती हूँ, ना मैं अपने बच्चे को खोना चाहती हूँ। किस दुविधा में डाल रहे हैं भगवान, मेरे परिवार को टूटने से बचा लीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए, हिम्मत दीजिए भगवान। अक्षत भैया, आपके लिए नाश्ता रख दो, बाद में कर लूंगा। क्या बात है भैया, आप इतनी गर्मी में कांप क्यों रहे हैं? हे भगवान, आपको तो बहुत तेज बुखार है। हाँ, वो ठंडे पानी से नहा लिया था, फिर इसी में। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब। जी हो अक्षत भैया। क्या हुआ अक्षत को? अक्षत भैया को बहुत तेज बुखार चढ़ा है, वो कांप रहे हैं, ऐसा लग रहा है उन्हें ठंड लग गई है। इस परिवार में किसी ने भी तुमसे रिश्ता रखने की या तुमसे बात करने की कोशिश की तो उसी वक्त मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। फिर से इसे ब्रेन फीवर ना हो जाए, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। डॉक्टर, अक्षत को बहुत तेज बुखार है, आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। सॉरी भावना जी, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, मैं किसी और के घर पे आया हुआ हूँ और पेशेंट बहुत सीरियस है। लेकिन तब तक मैं क्या करूं? अक्षत का बुखार बढ़ता जा रहा है और अगर थोड़ा सा भी और पड़ा तो दिमाग टिक चल जाएगा और दिमागी बुखार कितना खतरनाक होता है ये आपसे ज्यादा और कौन जानता है। प्लीज आप जल्दी से आ जाइए या किसी को। I'm really sorry भावना जी, लेकिन मुझे यहाँ कुछ वक्त लगेगा, यहाँ से फ्री होने के बाद ही मैं वहाँ आ पाऊंगा। लेकिन डॉक्टर, अभी हमारे पास वक्त। हेलो भावना जी, काफी डरी हुई लग रही, क्या आपको यकीन है कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए? घबराओ मत गहलोत,
अक्षत बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं। बाबूजी मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ आपकी खातिर कर रहा हूँ। अब मुझे कब जाना है आप मुझे बता देना। ठीक है बता दे। तब तक मैं एक पेशेंट को देख कर। हाँ देखिए जी, डर तो मुझे भी लग रहा है कहीं बात और बिगड़ ना जाए। अरे नहीं पता, बात बिगड़ेगी नहीं बल्कि बात तो बनने वाली है। देखते हैं कि भावना का दिल कब तक नहीं पिघलता। ये एक माँ की ममता का इम्तिहान है जिसके आगे भावना को भी झुकना पड़ेगा। कब तक दूर रहेगी अक्षत से, वो अक्षत के पास जरूर जाएगी और दोनों के बीच की दीवार टूट जाएगी। गोपाल ये ठंडी बर्फ की पट्टियां ना अक्षत के माथे पे लगा देना और देखना उसको बुखार बढ़े ना, लगाते रहना जब तक कम ना हो। लो मेम साहब आप ही कर दीजिए ना। मैं कर पाती तो तुम्हें बोलती क्या, अब टाइम मत वेस्ट करो जाओ जल्दी। जी हे भगवान मेरे अक्षत को खुश नहीं होना चाहिए। भैया आपको बहुत तेज बुखार है। हेलो डॉक्टर, डॉक्टर आप निकले, लेकिन मैं अगर कोई दवाई दे दूंगी और उसका गलत रिएक्शन हो गया तो? नहीं नहीं मैं आपका इंतजार करती हूँ, प्लीज जल्दी से आ जाइए। जी मेम साहब वो तो मुझे हाथ भी नहीं लगाने दे रहे हैं और ठंड से कांप रहे हैं और सिर्फ आपका नाम ले रहे हैं। मेम साहब एक बात कहूं आपसे, इस वक्त उन्हें आपकी जरूरत है, आप कुछ कीजिए ना मेम साहब, कहीं बहुत देर ना हो जाए। माफी चाहता हूँ थोड़ी देर हो गई आने में। अक्षत कहाँ है? वो अंदर है, आप चलिए हम यहीं रुकते हैं। जी जी भाभी अपने आप को संभालो, चलो यहां से। हाँ गहलोत ये क्या मजाक है आप लोगों का, ही सो सीरियस। वाकई बुखार है? जी ठीक है हम अभी पहुंचते हैं। क्यों बाबूजी अक्षत को वाकई बुखार है? मुझे लग ही रहा था कि अक्षत भैया माँ से झूठ नहीं बोलेंगे, उन्होंने पहले ही कह दिया था, इसलिए उन्होंने खुद को जानबूझकर बीमार कर दिया। बाबूजी अक्षत भैया को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, डॉक्टर वहीं पर है, उसने इंजेक्शन दे दिया। उसे कुछ होगा तो नहीं ना? घबराने की बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, शाम तक बुखार भी उतर जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि स्ट्रेस ना ले, जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।